ओफो, इतने सारे फाउंडेशन, तो कैसे पता करें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन यूज में लें? क्या आपको नहीं पता कि कौन सा फाउंडेशन आपकी स्किन के लिए सूटेबल रहेगा? तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप कौन सा है। आपकी है नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके लिए है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, लैक्मे परफेक्टिंग फाउंडेशन, स्टे 20 का लिक्विड फाउंडेशन, NYB के लिक्विड फाउंडेशन। जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं वो ऑल स्किन टाइप को सूटेबल होते हैं और ये थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो लिक्विड फाउंडेशन ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, तीनों स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी कवरेज देते हैं। लिक्विड फाउंडेशन को आपको थोड़ा सा ही अप्लाई करना होता है, जस्ट आपको बहुत ही अच्छी फुल कवरेज मिलती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिक फाउंडेशन की। जो लोग लिक्विड फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मार्केट में स्टिक फाउंडेशन भी अवेलेबल होता है। जो स्टिक फाउंडेशन होते हैं उसके लिए ऑप्शन है आपके पास ब्लू हेवन का स्टिक फाउंडेशन, ओलिविया की पैन स्टिक और NYB की स्टिक भी मार्केट में अवेलेबल होती है। और भी बहुत सारे आपको स्टिक फाउंडेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए होता है, ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है ऑलरेडी मॉइस्चराइज होती है। ये आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ऑयली स्किन से नॉर्मल स्किन वालों के लिए परफेक्ट मैच है। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसे पसीने नहीं आएंगे, बिल्कुल भी ऐसे एक्सफोलिएट नहीं होगा ये फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन जो होता है नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट मैच है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। थर्ड जो फाउंडेशन होते हैं वो है क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन ड्राई टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। क्रीम फाउंडेशन जैसे ट्रायलॉन का क्रीम फाउंडेशन, लैक्मे का क्रीम फाउंडेशन, मेबेलिन क्रीम फाउंडेशन, काफी सारे आपको मार्केट में क्रीम फाउंडेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। और क्रीम फाउंडेशन मोस्टली ड्राई स्किन वालों के लिए होते हैं, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट जो है बेस सेट करते हैं और इससे बहुत ही अच्छा बेस निकल के आता है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो अगर आपकी है नॉर्मल टू ड्राई स्किन तो आप क्रीम फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। ड्राई जो क्रीम फाउंडेशन है उसे आपको थोड़ा सा अपनी फिंगर में देना होता है और आप ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो एक परफेक्ट मैच है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।